पर पूरी की पूरी चॉकलेट खाई उसने। उसका गला दुख रहा था तो भी, अब देखो उसका गला दुख रहा है, मैं फटाफट से उसको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, और डॉक्टर के पास जाने के बाद उसको दवाई दे के फिर मैं उसको थोड़ी देर वापस से सुला देती हूँ। तो चलो मैं डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ और फिर बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या बोला। को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास क्योंकि उसकी तबीयत है थोड़ी ख़राब। ऐसे तो मुझे पता है क्या मेडिसिन देनी है, लेकिन मैं उसको डॉक्टर के पास ही लेके जाती हूँ हर बार। नीचे ही है इसलिए, हमारे घर के सामने ही है। अभी हम कर रहे हैं डॉक्टर के पास वेटिंग क्योंकि डॉक्टर कहीं बाहर गए हैं। एक पेशेंट है अंदर, लेकिन डॉक्टर शायद कुछ काम से बाहर गए हैं, तो हम तब तक थोड़ी देर वेटिंग करते हैं। तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बेटा, क्या हो रहा है? गले में दुख रहा है तो और चॉकलेट खानी है? मत तो मानी नहीं मेरी, दवाई पी दी, दवाई पी दी। दवाई पीने से ठीक होता है? ऐसे इन्फेक्शन बढ़ नहीं जाता? इधर देख के बात करो। नहीं करना? ओके ठीक है। तो मैं दवाई तो लेकर आई हूँ, तो अब इसको हम बनाते हैं। तो मैंने थोड़ा गर्म पानी कर लिया था। ये पाउडर वाली दवाई में हमेशा ऐसा ही होता है, आपको पहले गर्म पानी कर देना है और उसके बाद उस गर्म पानी को यहाँ पे आपको मैं लाइन दिखाती हूँ, इस लाइन तक आपको पानी डालना है। घर पे आप कोई भी मेडिसिन बनाए, आपको ऐसे ही बनानी है छोटे बच्चों की। ये है एमोक्सिलिन, उसको यही सूट करती है, सेपोडोसामाइन नहीं सूट करती, सॉरी सेपोडोक्समाइन, हाँ वो उसको सूट नहीं करती, उससे उसको तबीयत ठीक नहीं होती है। तो मैं हमेशा उसके लिए एमोक्सिलिन लेकर आती हूँ। साथ में उसकी बुखार की दवाई है और सिट्रेजाइन है जिसमें पैरासिटामोल है। तो डॉक्टर ने भी सिर्फ उसको वो दो पीने बोली है, बुखार की नहीं बोली क्योंकि बुखार ज़्यादा नहीं है उसको। तो बराबर से इसको शेक करना है ताकि सारा पाउडर एक हो जाए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, काफ़ी सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, जो नए नए पेरेंट्स होते हैं, कि कैसे करना है। तो ये तो मैं बचपन से उसके करके आ रही हूँ, पहले नया नया था, अब तो काफ़ी बार डॉक्टर के पास नहीं जाती तो भी मैं लेकर आती हूँ। पर मैं इसलिए गई हूँ क्योंकि अभी वायरल चल रहा है, मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो बोला चलो डॉक्टर के पास जाके आती हूँ। तो महीने में ऐसे एक आध बार बीमार होती है, अगर वो तो मैं डॉक्टर के पास जनरली जाती हूँ या फिर मैं खुद ही केमिस्ट से लेकर आ जाती हूँ मेडिसिन। तो ये बराबर उसको मैं शेक कर लेती हूँ। उसके बाद हम उसको, डॉक्टर ने 5 ml बोला है तो 5 ml उसको पिला देती हूँ दवाई। देखना अभी कैसा नखरा करेगी, दवाई तो पी लेगी थोड़ा नखरा करेगी, वो तो हर बच्चे करते हैं ना। तो चलिए मैं इसके ढक्कन भरती हूँ। पहले जब छोटी थी दवाई नहीं पीती थी ना, तो तब मैं वीडियोस नहीं निकालती थी, नहीं तो पता थी उसको। मैं अपने दोनों पैरों के बीच में डालती थी और फिर एक जन उसका पैर पकड़ता, एक जन उसका हाथ पकड़ता और फिर उसको दवाई मुँह में डालती। अब उतना नखरा नहीं है, पर दवाई से ज़्यादा उसने खाने में बहुत नखरे किए। और आज भी अगर ये खाएगी ना बराबर तो इम्यूनिटी पावर उसकी बढ़ जाएगी, पर ये कम खाती है। पर ठीक है, इतनी भी ख़राब इम्यूनिटी नहीं है उसकी क्योंकि वो हमेशा प्रोबायोटिक ज़्यादा लेती है, दही ज़्यादा खाती है। दही के अंदर इमेंस प्रोबायोटिक होते हैं जिसकी वजह से उसे कैल्शियम बहुत अच्छा है, उसको गुड बैक्टीरिया अच्छे मिलते हैं। तो चलो मैं उसको दवाई दे देती हूँ जिसमें वो दवाई पानी पिएगी तो उसको अच्छा लगेगा थोड़ा। तो चलो हम उसकी दवाई लेकर जाते हैं। मैंने एक हाथ में फ़ोन, सीपर, दवाई सब पकड़ा है। अरे केवरी, अरे देखो वो छुप गई केवरी। चलो अभी दवाई पी लो, चलो चलो चलो, पियो पियो पियो, कम ऑन, चलो बैठो, कम ऑन। अभी देखो कैसे पिएगा ना, 1, चलो चलो इधर इधर, 1 2 3। ये देखो मैं हमेशा ऐसे ही पिलाती हूँ उसको, चांस ही नहीं देती, सीधा मुंह ही ऊपर कर देती हूँ सारी दवाई एक बार में उसके मुंह में। चलो दूसरा, चलो चलो फास्ट, 1 2 3। ओ यक, वेरी गुड। की तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर ने बोला उसको घी तेल वगैरह नहीं खाना है। तो गैस वो क्या खाना चाहती है? फर्स्ट टाइम वो छोटी थी तब खाती थी, वो खाने के बाद एक बार उसको उल्टी हुई, उसके बाद उसे बंद कर दिया खाना, और वो आज खा रही है। रुको मैं आपको दिखा, खिचड़ी। मैं इतना सरप्राइजिंगली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे घर पे हर 2 दिन में एक बार खिचड़ी बनती है, पर ये कभी भी नहीं खाती। और उसने सामने से बोला मम्मी मैं खिचड़ी खाऊंगी,
तो चलो देखते हैं वो कैसे खाती है और क्या रिएक्ट करती खिचड़ी खाने पे। वो कैसी लगी खिचड़ी? गंदी। गंदी, पर बीमार हो तो खिचड़ी तो खानी पड़ेगी। अब शुरू किया तो खत्म करो। थोड़ी सी इसमें दही डालूं? डालो। थोड़ा दही डाल के दूं? खाओगे? थोड़ी सब्जी का रसा डालूं? नहीं तो दही और बटर मिल्क। ओके ठीक है, दही और बटर मिल्क एक ही होता है, या तो दही डालो या तो छाछ डालो। ओके कमी। तो बस अभी उसको खाते खाते अच्छा लगने लगा, मैंने इसमें थोड़ी सी छाछ डाल दी है ताकि उसको अच्छा लगे, सूखा सूखा ना लगे। अभी कैसा लग रहा है? पहले से अच्छा लग रहा है? ओके डन। और उसने खिचड़ी फिनिश की है। आई एम हैप्पी 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 हैप्पी, सातवें आसमान पे हूँ मैं क्योंकि उसने खिचड़ी खाई है। तो आपके घर पे ऐसा कौन है जिसे खिचड़ी नहीं पसंद है और फर्स्ट टाइम खाने पे पसंद आई? अच्छी लगी? ओके तो नेक्स्ट टाइम खाना। ओके वीडियो को बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आपको। तब तक मैं दूसरा व्लॉग बनाने की तैयारी करती हूँ। बाय बाय।